हाय एवरीवन, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है होम एंड मच मोर में। आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ एक आइसक्रीम मशीन जो कि है अगारो ब्रांड से। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि इस मशीन को यूज़ कैसे करते हैं एंड देखेंगे कि ये मशीन कितने अच्छे से काम करती है और साथ ही मैं बनाएंगे एकदम यमी यमी आइसक्रीम। और साथ ही मैं आप सभी लोगों के लिए है एक गिव अवे कॉन्टेस्ट। गिव अवे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना बहुत ईजी है। आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़ कि अगर आप विनर हुए, आप ये जीते, तो अगारो आइसक्रीम मेकर में बनी हुई आइसक्रीम आप किसके साथ शेयर करेंगे ये नीचे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। दूसरी चीज़, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तीसरी चीज़ कि आप होम एंड मच मोर के YouTube, Instagram एंड Facebook पेज को फॉलो एंड सब्सक्राइब करें। आपको इन तीनों के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगी। साथ ही में जो अगारो का पेज और अकाउंट है YouTube, Instagram एंड Facebook पर, उसे भी आप फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें। इसकी भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने की लास्ट डेट आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, तो इस डेट तक जो भी कमेंट्स आएंगे उनमें से हम लकी विनर्स चूज करेंगे। टोटल होंगे 2 लकी विनर्स जिन्हें मिलेगी अगारो की आइसक्रीम मशीन। तो अगर आप भी इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो फटाफट इन कंडीशंस को फॉलो करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अनबॉक्सिंग के पहले देख लेते हैं बॉक्स। तो ये है अगारो आइसक्रीम मेकर का बॉक्स। अगर आप इसे ऑर्डर करेंगे तो इसके बाहर भी आपको एक बॉक्स मिलेगा ऑनलाइन अगर आप परचेज करेंगे। यहाँ पर आप स्पेसिफिकेशंस देख सकते हैं। तो इस मशीन की कैपेसिटी यानी इसके बोल की कैपेसिटी है 1.2 लीटर्स। इसी मशीन के साथ आपको मिलेगी इंस्ट्रक्शंस मैनुअल। तो इसमें आप इस मशीन के बारे में और कुछ रेसिपीज भी दी गई हैं वो भी देख सकते हैं। यह आइसक्रीम मशीन काफ़ी कॉम्पैक्ट है, तो आप देख सकते हैं कि जो इसका साइज़ है ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है और काफ़ी क्यूट और कलर भी बहुत ही सुंदर है। इसके टॉप पर दिया गया है पावर बटन, तो बस ऑन और ऑफ यही आपको करना है। मतलब इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, मैं आपको आगे बताऊंगी। और ये जो स्पेस आप देख रहे हैं, यहाँ से आपका जो आइसक्रीम मिक्सचर है वो पोर किया जाएगा, आइसक्रीम, सॉर्बे, जो भी आप बनाना चाहें। तो मैं आगे आपको इसका डेमो भी दिखाऊंगी। ये है इसकी पावर केबल। इस मशीन के ऊपरी हिस्से की, इसके ढक्कन की बनावट ऐसी है कि आप अपने हाथ में इसे पकड़ सकते हैं और जो मशीन का ढक्कन है वो निकाल सकते हैं। राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड पे आपको नॉचेस दिखेंगे, तो ध्यान रहे कि मशीन का ढक्कन जब भी आप लगाएंगे तो नॉच में सही से वो फिट हो जाए। ये जो आप स्पेस देख रहे हैं, जो होल आप देख रहे हैं, यहाँ पर 2 अटैचमेंट्स लगाई जाएंगी। तो ये है स्टेम, तो इसे सबसे पहले लगाना है। एक साइड पर आपको एक स्लिट यानी एक चीरा सा नजर आएगा, वो जाएगा होल के अंदर। एंड ये जब आगे पीछे हो रहा होगा, एक बार फिट वाली आवाज़ आ जाए उसके बाद ये आगे पीछे है, इसका मतलब ये लूज नहीं है, ये इसी तरह से लगाया जाता है। फिर ये है पैडल जो कि आइसक्रीम को मिक्स करता है, चर्न करता है, फ्लफी बनाता है। इस पैडल को आप स्टेम पर लगा दें और लगाने के बाद अगर आपको लग रहा है कि पैडल बहुत आसानी से निकल आ रहा है या फिर लूज है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। ये इस तरह से क्यों बनाया गया है ये मैं आगे आपको बताऊंगी। अब देख लेते हैं फ्रीजिंग बोल जिसके अंदर आइसक्रीम बनती है, आइसक्रीम जमती है। तो इसे इस तरह से बाहर निकाल लें। बस ध्यान रहे इसे रखें या फिर उठाएं आराम से, इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ होता है, वो इस बोल से बाहर नहीं आना चाहिए। जब आप इसे हिलाकर देखेंगे तो आपको एक लिक्विड हिलने की, जैसे पानी छलकने की आवाज़ आती है, वैसी आवाज़ आएगी। और यूज़ से पहले इसे अच्छे से फ्रीज करना होता है। फिर यह है इसकी बाहर की बॉडी जिसके अंदर फ्रीजिंग बोल रखा जाता है। तो देखिए अंदर से इस तरह से है और ये इसका बेस है जो कि एंटीस्किड है। इसकी बनावट इस तरह से है कि जब आप ठंडा ठंडा बोल इसके अंदर रखेंगे और बाहर से इसे हाथ लगाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ठंडक नहीं महसूस होगी। चलिए अब देखते हैं इस मशीन का डेमोन्स्ट्रेशन। मैं आपको वेनिला सॉफ्ट सर्व आइसक्रीम बनाकर दिखाती हूँ। उससे पहले जो बोल है इसे फ्रीजर में रखना पड़ेगा जब तक कि जो लिक्विड है अंदर का वो सेट ना हो जाए। रात भर अगर आप रखेंगे, स्पेशली अगर आपका डबल डोर रेफ्रिजरेटर है या फिर सेपरेट फ्रीजर वाला, तो बोल अच्छे से जम जाएगा। आइसक्रीम बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पर है 250 ml हैवी क्रीम यानी डेरी व्हिपिंग क्रीम। आप चाहें तो फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ 200 ग्राम स्वीट कंडेंस्ड मिल्क, 2 टीस्पून वेनिला एसेंस। इसके बाद मैं डाल रही हूँ 1/4 कप दूध। तो दूध जो है एकदम ठंडा है। अब 2 चीज़ें हैं, जो भी आप आइसक्रीम का बेस बनाएंगे, या तो आप सारे इंग्रेडिएंट्स ठंडे यूज़ करें, या फिर अपना आइसक्रीम का बेस बनाने के बाद इसे रात भर फ्रिज में रख दें, या फिर आधे घंटे के लिए फ्रीजर में रख दें। जो मिक्सचर है वो एकदम ठंडा होना चाहिए।
ये देखिए बोल भी एकदम ठंडा हो गया, आपको देखकर ही पता चल रहा होगा ये अच्छे से ठंडा हो गया है, अंदर का लिक्विड एकदम से जम गया है और ये बोल जाएगा बाहर वाले बोल के अंदर। ढक्कन लगाते वक्त इस बात का ध्यान रहे कि जो राइट और लेफ्ट में नॉचेस दिए गए हैं इनमें आप अच्छे से ढक्कन को फिट कर लें। जो भी आपका आइसक्रीम या फिर सॉर्बे का बेस है उसे मशीन में डालने से पहले मशीन को शुरू करें। अगर आप पहले ही लिक्विड डाल देंगे तो जब तक आप मशीन को शुरू करेंगे तब तक हो सकता है कि जो ठंडा बोल है उस वजह से जो आपका लिक्विड है वो जम जाए और आपका जो पैडल है मशीन का वो घूम ना पाए। इसलिए ज़रूरी ये है कि मशीन को पहले शुरू किया जाए और शुरू मशीन में धीरे धीरे जो भी आइसक्रीम का मिक्सचर है उसे पोर किया जाए। 30 मिनट्स के अंदर आपकी आइसक्रीम बन जाएगी। ज़्यादा फैट कंटेंट है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, फैट कंटेंट कम है तो कम टाइम लगेगा। तो मेरी जो ये आइसक्रीम है इसने बनने में समय लिया है 20 मिनट का। जब पैडल अटकने लगे तो समझ जाइए कि आइसक्रीम आपकी रेडी है। तुरंत मशीन को बंद करें और ढक्कन निकालें। देखा आपने, पैडल की फिटिंग इसलिए लूज थी ताकि पैडल को खींचते हुए, क्योंकि आइसक्रीम थोड़ी स्टिफ हो जाती है, पैडल को खींचते हुए जो मशीन है उसे कोई नुकसान ना पहुंचे। तो जो पैडल है वो आपका आइसक्रीम में ही अंदर रह जाएगा, उस पर लगी हुई यमी यमी क्रीमी आइसक्रीम भी आप निकालें। ऑफकोर्स आप निकालेंगे ही, वेस्ट तो करेंगे नहीं। ये देखिए कितना अच्छा क्रीमी टेक्सचर है। बस आप एक कोन बना लीजिए या खरीद लीजिए और उसके ऊपर लगा दीजिए, आपकी सॉफ्ट सर्व आइसक्रीम बन जाएगी। आप इस आइसक्रीम को ऐसे ही खा सकते हैं या फिर अगर आपको बची हुई आइसक्रीम रखनी है तो फ्रीज़र में रख दीजिए एक एयरटाइट कंटेनर में डालकर। अब एक और बहुत ज़रूरी चीज़ कि इस मशीन को साफ कैसे करना है। तो ये देखिए पैडल है और स्टेम है, इसे निकाल लीजिए। अब इसके बाद जो ढक्कन है इसे साफ करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि जो मशीन का हिस्सा है उसे आप ढक्कन से अलग कर दें। मशीन में पानी बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। अब जो ये ढक्कन है आसानी से बाहर निकल आया। अब आप इसे धो सकते हैं और अच्छे से पोंछ कर वापस से मशीन पर लगा सकते हैं। ऊपर वाली मशीन में सारे सर्किट वगैरह हैं तो उसमें पानी नहीं जाना चाहिए। मान लीजिए किसी वजह से आपसे इस मशीन पर बैटर उड़ जाता है या फिर हाथ लग जाता है तो तुरंत आप एक गीले कपड़े से यानी कपड़े को निचोड़ कर आप इसे साफ कर लीजिए या फिर एक सूखे कपड़े से साफ कर लीजिए। बोल से आइसक्रीम निकालते वक्त इस बात का ध्यान रहे कि किसी चम्मच या हार्ड चीज़ से आप बोल की साइज को बेस को कुरेदे ना, मतलब कुरेद कर आइसक्रीम ना निकालें, एकदम हल्के हाथ से निकालें और जो कुछ भी बचा होगा उसे अपने आप नॉर्मल टेम्परेचर पर आने दें। ना ठंडा पानी डालें ना गर्म पानी। बोल रूम टेम्परेचर पर आ जाने के बाद आप इसे एकदम सॉफ्ट स्पंज से और साबुन से धो सकते हैं। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।